किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डो एग्रो साइंस कंपनी के डेलीगेट इंसेक्टिसाइड के बारे में। देखिए, ये जो कीटनाशक आप देख रहे हैं बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि महंगा कीटनाशक है। तो देखिए, हमने इसका उपयोग किया है परचेज करने के बाद, तो हम उपयोग करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम आपको इसको एकदम सही जानकारी देने वाले हैं कि किन कीटों पर काम करता है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या सही डोज है, क्या इसका प्राइस है, तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हमें इसके अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिले हैं, तो क्यों देखने को नहीं मिले हैं वो भी समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये जो डेलीगेट इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो स्पिनेट्रोरम 11.7% SC फॉर्मुलेशन में टेक्निकल देखने को मिलता है। ये टेक्निकल जो है लिक्विड गाढ़े द्रव के रूप में हमें देखने को मिलता है। देखिए, इसकी खास बात ये होती है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटों पर काम करता है, यानी कि बहुत सारे कीटों पर काम करता है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट और स्टोमैक एक्शन होता है, यानी कि कीट के पेट में जाने के बाद पेट क्रिया भी इसके अंदर होती है, और कीट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो तब भी ये उसको ख़त्म करने का काम करता है। और इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन का मतलब है कि हमने पत्तियों पर, देखिए जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के ऊपर दवा जाती है, तो ये क्या काम करती है, दवा पत्तियों के ऊपर से लेकर के नीचे सरफेस तक पहुंच जाती है, यानी कि पत्तियों के आर पार हो जाती है, जिसको हम ट्रांसलेमिनार एक्शन कहते हैं। तो जब जिस कीट इंसेक्टिसाइड के अंदर अगर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, तो क्योंकि ज़्यादातर जो सकिंग पेस्ट हैं, स्पेशली हम थ्रिप्स की बात करें, तो पत्तियों के अंडर साइड यानी कि नीचे की साइड बैठा होता है, तो ऐसा कीटनाशक होना चाहिए जिसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन है, वही अच्छा काम उस पर करेगा, स्पेशली थ्रिप्स के खिलाफ। तो इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसकी एक और खासियत होती है कि ये जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनके लिए बहुत कम टॉक्सिक है, यानी कि बहुत कम जहरीला है जो हमारे बेनिफिशियल कीट हैं, तो इसलिए भी ये अच्छा हो जाता है कि हम इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, फ्लावरिंग स्टेज में हम इसको जब भी उपयोग करें हमेशा शाम के समय ही उपयोग करें, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपकी वैसे स्प्रे आप कभी किसी का भी ले रहे हैं, हमेशा इवनिंग टाइम में ही स्प्रे लें, शाम का समय स्प्रे के लिए बहुत बेहतर रहता है। अब देखिए, हम बात करते हैं किन किन कीटों पर यह काम करता है। देखिए, ये थ्रिप्स के खिलाफ काम करता है, हमने इसके रिजल्ट देखे हैं, थ्रिप्स के हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। थ्रिप्स ने को इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, जो थ्रिप्स हमारा कॉन्फिडोर से या हमारा और जो कीटनाशक हैं जैसे कि थायामेथोक्साम, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसके उपयोग के बाद वो कंट्रोल हुआ और बहुत अच्छा इसने कंट्रोल दिया, तो थ्रिप्स पे ये काम करता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा लीफ माइनर की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो लीफ माइनर पे भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्टिविटी होती है। उसके साथ साथ और कीटों की बात करें तो जो हमें पिंक बॉल वर्म की समस्या देखने को मिलती है, पिंक बॉल वर्म पे भी ये काम करता है। जो टबैको कैटरपिलर है उस लीप को भी अच्छे से कंट्रोल करने का, ख़त्म करने का काम करता है। उसके साथ साथ फल छेदक को भी कंट्रोल करता है, तना छेदक को भी कंट्रोल करता है। तो ये थ्रिप्स के साथ साथ इन सभी बड़े कीटों पर भी ये काम करता है, तो इन सभी कीटों के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे में। तो देखिए, इसका स्प्रे आप जब भी करें शाम के समय करें। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि इसके हमें रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है आपने इसको किसी के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग किया हो, क्योंकि इसका जो हमें स्प्रे करना होता है सेपरेट करना होता है, और स्प्रे कभी भी दोपहर में इसका स्प्रे ना करें, हमेशा शाम के समय स्प्रे करें और इसको सेपरेट करें। इसके साथ ना तो कोई फर्टिलाइज़र मिलाएं, ना ही कोई फंजीसाइड मिलाएं, ना ही कोई और इंसेक्टिसाइड मिलाएं, क्योंकि कंपनी भी यही रिकमेंड करती है, इसके हमें सेपरेट ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और सेपरेट ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और ये बहुत एक्सपेंसिव कीटनाशक है। देखिए, हम इसका उपयोग जब ही करते हैं जब हमारा कीट कंट्रोल में नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये कीट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जो मैंने कीट बताए उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, तो इसलिए हम एक्सपेंसिव है तो इसको सेपरेट यूज करें, वरना आप किसी के साथ मिक्स करेंगे तो फिर आप पैसे भी खर्च करेंगे और फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको लगेगा कीटनाशक बेकार है। देखिए, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि आपके, बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिले,
तो आप किस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या कमी है। हालांकि हमने यूज किया, हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो 180 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसकी डोज रखनी होती है, यानी कि 0.9 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, कीमत की बात करें तो ये 100 ml पैकिंग की कीमत है मेरे हाथ में और ये आपको लगभग 1100 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो ये बहुत एक्सपेंसिव कीटनाशक है, तो इसका उपयोग जब ही करें जब आपका कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, और दूसरा इसका यूज करें तो बहुत सावधानी रखें, शाम के समय उपयोग करें, सेपरेट उपयोग करें, वरना आपके जो पैसे हैं वो बर्बाद होंगे, इसके फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।